नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। उज्जैन से बड़ी खबर है, जहां बाबा महाकाल के गर्भगृह में प्रवेश बंद कर दिया गया है। जुलाई से सितंबर तक गर्भगृह में प्रवेश बंद रहेगा। सावन माह को देखते हुए फैसला लिया गया, सावन को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। महाकाल प्रबंधन समिति की बैठक में यह फैसला हुआ। 11 जुलाई से उज्जैनवासियों को अलग से एंट्री मिलेगी आधार कार्ड दिखाकर। उज्जैन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बाबा महाकाल के गर्भगृह में प्रवेश पर अब रोक लगा दी गई है। फिलहाल के लिए जुलाई से सितंबर तक गर्भगृह में प्रवेश बंद रहेगा। सावन को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। महाकाल प्रबंधक समिति की बैठक में फैसला हुआ। 11 जुलाई से उज्जैनवासियों को अलग से एंट्री मिलेगी आधार कार्ड दिखाकर। उज्जैनवासियों को एंट्री मिलेगी। तो जुलाई से सितंबर तक गर्भगृह में प्रवेश बंद रहेगा बाबा महाकाल के दरबार में। सावन को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। सावन को देखते हुए फैसला लिया गया है। महाकाल प्रबंधक समिति का यह फैसला, एक बैठक हुई थी, इस बैठक में फैसला लिया गया है। जुलाई से सितंबर तक बाबा महाकाल के गर्भगृह में प्रवेश बंद रहेगा। 11 जुलाई से उज्जैनवासियों को अलग से एंट्री मिलेगी आधार कार्ड दिखाकर। उज्जैनवासियों को एंट्री मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे उज्जैन का रुख कर लेते हैं। अजय पटवा हमारे साथ जुड़ गए हैं उज्जैन से। अजय, सावन को देखते हुए यह फैसला लिया गया है कि जुलाई से सितंबर तक गर्भगृह में प्रवेश बंद रहेगा, लेकिन उज्जैनवासियों को अलग से एंट्री। ये देखिए सुमित जी, मैं आपको बताना चाहूँ कि 4 तारीख से जो है सावन की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर आज जो है प्रबंधक समिति की एक बैठक की गई थी, जिसमें आने वाले श्रद्धालुओं को किस रूप से सुविधा मिलना चाहिए उन सब विषयों पर बात की गई है। साथ ही ये है कि महाकालेश्वर मंदिर में जो गर्भगृह के अंदर जो प्रवेश चालू थे उनको जो है सितंबर जो तक के लिए बंद कर दिया जाएगा, जुलाई से लेकर सितंबर तक के लिए। और वहीं जो है उज्जैन वासियों के लिए जो है 11 जुलाई से जो है प्रवेश खोल दिया जाएगा, और उसके लिए भी गेट जो है 1 नंबर और 4 नंबर डिसाइड किए गए हैं। उन दोनों में से एक गेट जो होगा वो उज्जैन वासियों के लिए होगा, और वो आधार कार्ड दिखाकर जो है सीधे जो है मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे। पर प्रवेश तो मिलेगा, पर जो आम श्रद्धालु जिस लाइन में चल रहे हैं उनके लिए अलग से एक और लाइन रहेगी, जिसमें उज्जैन के जो लोग रहेंगे वो उसमें चल पाएंगे। तो कोई कुल मिला के जो है कई विषयों पर जो है चर्चाएं हुई हैं। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो बैरिकेडिंग होगी उसको लेकर, पब्लिक को कैसे कंट्रोल किया जाए, साथ ही जो है ट्रैफिक व्यवस्था है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, श्रद्धालुओं के लिए पानी की व्यवस्था, हर प्रकार की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए श्रद्धालुओं को, कम से कम समय में दर्शन हो सके, इन सारे विषयों पर जो है चर्चा की गई है। और महाकालेश्वर मंदिर की जो सवारी निकलती है भक्तों का, जो प्रजा का हाल जानने के लिए जो महाकालेश्वर बाबा नगर भवन पे निकलते हैं, तो कैसे उन भक्तों को भी जो है भगवान महाकाल की सवारी के दर्शन हो, इन सारे विषयों पर जो है चर्चा की गई है। जी बिल्कुल अजय, सावन के महीने में हम देखते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचते हैं, और यही वजह है कि सावन से पहले एक मंदिर प्रबंधन की एक बड़ी बैठक हुई, और यही वजह है कि जो गर्भगृह में प्रवेश पर अभी फिलहाल के लिए बैन लगा दिया गया है, एंट्री नहीं दी जाएगी। ये फैसला उसी को लेकर जी देखिए, गर्भगृह में जो है जुलाई से लेकर सितंबर तक के लिए जो है गर्भगृह बंद रहेगा, क्योंकि क्या होता है कि जब भी कोई श्रद्धालु गर्भगृह में जाता है तो पीछे जो श्रद्धालु बड़ी आस्था के साथ आते हैं, कई घंटों की लाइन का इंतजार करते हैं, और उसके बाद जो बाबा महाकाल की शिवलिंग के सामने पहुंचते हैं तो उनको चंद सेकंड के दर्शन होते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालु जो आम श्रद्धालु हैं उनको कोई असुविधा ना हो दर्शन करने के लिए, इसलिए जो फैसला लिया गया है कि जो गर्भगृह है वो बंद रहेगा, ताकि जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं बड़ी आस्था के साथ आते हैं। सावन का महीना जो बड़ा पावन पर्व है, और इसी को लेकर जो है जो फैसले लिए गए हैं, और साथ ही जो श्रद्धालु को जो दर्शन हो सके इसलिए गर्भगृह जो है 3 महीने के लिए बंद रहेगा। जी ठीक है अजय, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। जबलपुर से बड़ी खबर है, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों के शव घर से मिले हैं। घर के भीतर फंदे पर लटके मिले हैं 3 के शव। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आत्महत्या के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया। मौके पर पहुंचे हैं पुलिस के अधिकारी। पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर हर एंगल से मामले की जांच कर रही है।
एक ही परिवार के तीनों लोगों के शव बताए जा रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां नर्मदा के जल के लिए अनूठा प्रदर्शन किया गया। दानिश नगर के रहवासियों ने लगाए हैं घर के बाहर बैनर पोस्टर और दरवाजों पर खड़े होकर खाली बाल्टी, भगोना, लोटा, मटका बजाए वोट फॉर नर्मदा का जल करके पोस्टर यहां पर लगाए गए हैं। सुन लो पुकार, नर्मदा जल दे दो सरकार, कहते हुए अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुंचाई है। जगदलपुर से खबर है, जहां गांजा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई हुई। 8 किलो गांजा पकड़ाया है तस्कर से, तस्कर गिरफ्तार हुआ। आरोपियों से 35 किलो 8 गांजा तस्कर पकड़ाए हैं और 35 किलो गांजा जब्त हुआ है। ओडिशा से गांजा तस्करी की जा रही थी और नगरनाथ थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। 8 आरोपी गिरफ्तार हुए, जिनसे 35 किलो गांजा बरामद किया है पुलिस ने। जगदलपुर से बड़ी खबर है, जहां गांजा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की। 8 गांजा तस्करों को हिरासत में लिया। आरोपियों से 35 किलो गांजा जब्त हुआ है। ओडिशा से गांजे की तस्करी कर रहे थे। नगरनार थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान शहडोल पहुंचे हैं पीएम मोदी के दौरे का जायजा लेने के लिए। सीएम शिवराज शहडोल पहुंचे, सीएम ने स्टेज पर चढ़कर निरीक्षण किया है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर अधिकारियों की बैठक भी लेंगे सीएम। जनजाति समुदाय के लोगों के साथ भोजन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भोजन स्थल का भी निरीक्षण करेंगे सीएम शिवराज। 27 जून को पीएम मोदी भोपाल आएंगे, भोपाल के बाद शहडोल भी जाएंगे। शहडोल में किस तरह की तैयारियां हैं उसको लेकर सीएम शिवराज ने निरीक्षण किया है। कार्यक्रम स्थल का जायजा भी लिया, लोगों से बात की, अधिकारियों से भी बात की है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी तैयारियां यहां पर कर रही है। खुद सीएम शिवराज मॉनिटरिंग कर रहे हैं कार्यक्रम को लेकर, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, कार्यक्रम को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं, उन सभी की मॉनिटरिंग सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद कर रहे हैं। रायपुर पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री का अगर विदेश में स्वागत होता है तो इससे प्रत्येक भारतीयों को खुशी होती है। पीएम मोदी जब देश के बाहर जाते हैं तब वो बीजेपी को रिप्रेजेंट नहीं करते, इसको बीजेपी से जोड़ना तथ्यहीन है, गलत है और मानसिक दिवालियापन का प्रतीक है। भारत के प्रधानमंत्री का अगर विदेश की धरती पर स्वागत होता है तो प्रत्येक भारतीय को खुशी होती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब देश से बाहर जाते हैं तो भाजपा को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे देश का प्रधानमंत्री अगर कहीं सम्मान पाता है तो मुझे ही नहीं पूरे भारतवासियों को गर्व होना चाहिए। इसको भाजपा से जोड़ना तथ्यहीन है, गलत है और मानसिक दिवालियापन का प्रतीक है। इंदौर से खबर है, जहां युवक और युवती बीच सड़क पर रील्स बनाते हुए नजर आए हैं। बारिश में भीग कर डांस करते हुए रील्स युवक युवती बनाते हुए नजर आए। ये देखिए तस्वीरें, इंदौर की तस्वीरें हैं। बीआरटीएस का, इंदौर के भंवरकुआ बीआरटीएस का ये वीडियो बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में युवाओं को बेहतर मौका और रोजगार देने के लिए शिवराज सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना सीखो कमाओ योजना यानी अर्न एंड लर्न योजना शुरू की है।
और योजना के तहत युवाओं को न सिर्फ प्रशिक्षित किया जाएगा बल्कि उनके स्किल को भी डेवलप किया जाएगा, जिससे उनको न सिर्फ आय का जरिया मिलेगा बल्कि वो आत्मनिर्भर भी बनेंगे। फैसले कई किए हमने, लेकिन एक सबसे बड़ा फैसला कि हमारे हाथों में अगर काम करना हमको आए तो उसके कारण भी रोजगार मिल जाए, और इसलिए एक योजना बनाई, मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना। समृद्ध युवा, खुशहाल प्रदेश, कुछ ऐसी ही सोच के साथ प्रदेश की शिवराज सरकार एक योजना लेकर आई है। हम बात कर रहे हैं सीखो और कमाओ योजना की। हमारे बच्चों को बेरोजगारी भत्ते की नहीं, काम की जरूरत है। मैं बच्चों को काम सिखाऊंगा, लर्न एंड अर्न, करो सीखो और कमाओ। योजना ना सिर्फ प्रदेश को समृद्ध करेगी बल्कि युवाओं को भी आर्थिक रूप से मजबूत करेगी। योजना का उद्देश्य युवाओं की स्किल डेवलपमेंट करके उन्हें रोजगार हासिल करने के काबिल बनाना है, जिसमें युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं बल्कि रोजगार हासिल करने के काबिल बनाने का सपना देखा गया है, जिसमें युवा सीखेंगे भी, कमाएंगे भी और उन्हें उनकी योग्यता के मुताबिक स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। जब जो सीखेंगे, सीखने के बाद उनको रोजगार भी मिलेगा और रोजगार से उनके परिवार की स्थिति भी सुधरेगी और आगे उनके परिवार को वो सक्षम बना सकते हैं। साथ में प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मिलेगा इंडस्ट्री का, और ये भी हमें मालूम चला कि उसके बाद हमें उसी सर्टिफिकेट पे अगर हमने अच्छा काम किया तो फिर हमें ये भी हो कि हमें जॉब भी वहाँ से ऑफर हो सकता है। तो बहुत अच्छी चीज़ है सर ये, इवन हमारे ग्रुप के सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं इससे। बाई चांस अगर कोई सिखाने के लिए तैयार भी होता है तो वो कोई भी धनराशि प्राप्त नहीं करवाते हैं, वो फ्री में सिखाते हैं। तो इससे ये सबसे अच्छा बेनिफिट यही है कि बच्चों को स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाएगा कि आप इससे सीखो और अगर आप बेहतर परफॉर्म करते हो तो उसके बाद आपको वहाँ पे रोजगार भी मिलेगा। उद्योग, सर्विस सेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ट्रेड मतलब जो खरीदने बेचने का काम होता है, इंडस्ट्री 4.0, ऐसे सभी सेक्टर्स में, तकनीकी जैसे सेक्टर्स में हम युवाओं को ट्रेनिंग दिलवाने का काम करेंगे, और ट्रेनिंग के दौरान उनको 8,000 रुपया महीना दिया जाएगा, 8,000 रुपया महीना। इसके लिए आपको सबसे पहले MYKKY की वेबसाइट पर जाना होगा। पोर्टल पर जाते ही यहाँ होम पेज खुल जाएगा, यहाँ पहुंचकर आप सीखो और कमाओ योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां आपको ऑप्शन मिलेंगे जिस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा। फॉर्म में पूछी गई आवश्यक जानकारी देनी होगी, जिसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एवं अन्य संबंधित जानकारी अपलोड करना होगी। इसके बाद मांगे गए दस्तावेज अपलोड करने होंगे। ये सब करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद जिस संस्थान में आपका ट्रेड और ट्रेनिंग सेंटर मौजूद होगा, वे संस्थान आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग ऑफर करेंगे। सीखो और कमाओ योजना में युवाओं को प्रशिक्षण देने वाली कंपनियों और प्रतिष्ठानों का रजिस्ट्रेशन 7 जून से शुरू हो गया है। इसके 7 दिन बाद यानी 15 जून से युवाओं के लिए आवेदन करने का सिलसिला शुरू, जो कि 15 जुलाई तक चलेगा। इसके बाद ट्रेनिंग देने वाले प्रतिष्ठान और राज्य शासन के बीच 31 जुलाई तक अनुबंध की कार्यवाही होगी, और 1 अगस्त से युवा इन संस्थानों और कंपनियों में अपनी ट्रेनिंग शुरू कर सकेंगे। योजना कांग्रेस के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का बेहतर जवाब मानी जा रही है। ये योजना हमारे लिए बहुत अच्छी होगी, क्योंकि अभी तक हम जैसे अगर कहीं जाते हैं, अगर कहीं बाहर रहते हैं तो वो जो रेंट हमको फिर खुद से पे करना पड़ता है फैमिली से लेके, तो अभी जो इससे हमें ये फ़ायदा मिलेगा कि हम जब जाएंगे कहीं बाहर तो उससे हमें
पैसे की मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी, वहीं से हम अपने खर्चे पे सब कुछ कर सकते हैं। बहुत अच्छी लगी हमको, क्योंकि इस योजना के तहत हम आगे भी हमारा भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि पहले क्या था कि पहले हमको मतलब कहीं पे भी हम काम सीखने जाते थे तो वहाँ पे हमको कुछ स्टाइपन वगैरह, हमको कुछ पैसे वगैरह की कुछ राहत राशि हमको नहीं मिलती थी, और अब ये जो योजना आई है तो इससे हम आगे के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी, आगे के लिए भी तैयार हो सकते हैं। बहुत अच्छी सर योजना है, इससे स्किल का डेवलप अच्छा हो जाएगा। आप भी आत्मनिर्भर बनेंगे। यस सर। तो क्या लगता है, बढ़िया है, सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं? बहुत थैंक यू, थैंक यू सर, शिवराज सिंह चौहान जी का। अब सेल्फ डिपेंडेंट भी हो जाएंगे क्योंकि हम साथ में नॉलेज भी ले रहे हैं, प्रैक्टिकली नॉलेज भी है, थ्योरिकली नॉलेज भी है, और साथ में उसमें हमको पैसा भी मिल रहा है जो हम अपना खर्च खुद ही कर सकते हैं। मामा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस योजना में मध्य प्रदेश के मूल निवासी 18 से 29 वर्ष के युवा होंगे। 12वीं या उससे कम पढ़े लिखे होने पर युवाओं को 8,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। जिनकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं अथवा ITI या उच्च शिक्षित है, वे इस योजना में पात्र होंगे। योजना के प्रावधानों के मुताबिक ट्रेनिंग के दौरान युवाओं को स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड द्वारा स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, जिससे ट्रेंड युवाओं के लिए आगे भी रोजगार के अवसर खुलेंगे। इतना ही नहीं, हम आपको यह भी बता रहे हैं कि स्टाइपेंड आपको कैसे और किस तरीके से मिलेगा। ऐसे युवा जो योजना के जरिए लाभान्वित होकर ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, उनके खाते में योजना की 75% राशि राज्य सरकार, जबकि 25% राशि वह कंपनी या प्रशिक्षण संस्थान जहां आप ट्रेनिंग हासिल करेंगे, वह बाकी की 25% राशि आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। खास बात यह है कि यह प्रशिक्षण लगभग 704 अलग अलग ट्रेड में दी जाएगी, जिसके तहत मैन्युफैक्चरिंग, मैनेजमेंट, IT, फाइनेंस, आर्ट्स, मीडिया, बैंकिंग, बीमा, सर्विस सेक्टर, कानूनी और विधि सेवाएं, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इस ट्रेड में प्रशिक्षण हासिल करने के बाद युवा ब्लू कॉलर जॉब के लिए ना सिर्फ पात्र होंगे बल्कि ट्रेंड भी होंगे और दावेदार भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।